साथ हेमंत कुमार और इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। लगातार प्रवास पर उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त होता था, तरह तरह की बातें होती थी और बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उनके साथ रहने पर कोई व्यक्ति उग नहीं सकता था और मुख्यमंत्री के रूप में किस तरीके से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है यह प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी पहली झलक तो उस समय मिल गई थी जब 1977 में वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी अनियमितताएं थी, लोग ये कहते थे कि चिकित्सा क्षेत्र को जो सुधार लेगा बड़ी कामयाबी हासिल करेगा और उससे पूरे सरकार की एक साख बनेगी, पूरी सरकार की एक धाक। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के दायित्व को 1977 में प्रति कल्याण सिंह ने संभाला, उसकी चर्चा होने लगी और उसी समय कुछ लोगों के द्वारा उनके बारे में यह टिप्पणी की जाती थी कि भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। उसे प्रशासक के रूप में जिस तरीके से उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया था, अब उनके साथ मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह घटना अद्भुत है। मैंने कैबिनेट का प्रस्ताव नकल रोकने के लिए बहुत कठोर प्रस्ताव मैंने बनाया था, इसे मैं मानता हूं। जब लेकर वह प्रस्ताव हमारे यूज में थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ नकल कर्नल सिंह जी, वो गए कैबिनेट में स्वीकृत हुआ, कैबिनेट में विचार के लिए स्वीकृत हुआ। पहले दिन जब वो प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया, हमारे कैबिनेट के सहयोगी जो थे उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मतों की भिन्नता थी, विचारों की भिन्नता थी। इतना कठोर कानून नकल रोकने के लिए, और साहब इतना कठोर कानून यदि हम लोगों ने लागू कर दिया तो करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चे के परिवार में यदि 5 सदस्य होंगे तो 5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। 2 बार मंत्रिमंडल में वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन जब बृहस्पतिवार या बुधवार को बैठक होती थी संबंधित, ये बैठक हुई तो चेयर पर बैठते ही प्रस्तावों का जो बंडल था, कैबिनेट के प्रस्तावों का बंडल, बीच से उसको निकाल कर और उन्होंने ऐसे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाई शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, इस पर कोई विचार नहीं होगा, यह प्रस्ताव पारित। शासन चलाने के लिए जो दृढ़ता चाहिए वह दृढ़ता उस दिन हमने उनके अंदर देखी थी और उन्होंने इस फैसले से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है। संदेश उन्होंने दिया, छोटी बात नहीं थी। और प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ में भी 35-35 साल की उम्र थी। कोई अपराध करता कहने में उनके साथ बैठकर हम लोग कभी मैं ही आकर कर देता था, भाई साहब दास हो जाए, वो थे, मैं था, जगत नारायण दुबे थे, हरनाम यादव थे, तो वो दास खेलने के लिए बैठ जाते थे। बार बार एक रात भी कभी कभी बैठ जाते, आप
Thank you.